दोस्तों थर्मोस्टेट का कनेक्शन कैसे करते हैं, देखो जिस मोटर में थर्मोस्टेट है अगर मोटर हीट आ जाती है, ओवर हीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी। तो ये थर्मोस्टेट है तो इसका एक पॉइंट दूसरे से बाहर निकाल रखा है ये सप्लाई के लिए। दोस्तों इसका एक पॉइंट ये है कि देखो ये इनपुट है, तो इस इनपुट को मैंने जो मेन सप्लाई के दो जोड़े थे अपने, जिसमें कैपेसिटर का और रनिंग के दोनों तारों को एक जगह करके जो मेन सप्लाई बनाई है कॉमन, उसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये देखो इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करके और सोल्डिंग करके स्लिप लगा दूंगा। दोस्तों तो मैं सोल्डिंग स्लिप पर लगा रहा हूँ, देखो ये देखो मैंने इनका कनेक्शन कर दिया है। ये आ गया कॉमन वाले का एक पॉइंट और एक पॉइंट आ गया ये आउटपुट का, इनको इन दोनों को यहाँ सेट कर देंगे। इसके बाद में स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों के बीच में सेपरेट पेपर लगाएंगे। दोस्तों सेपरेट पेपर लगाने के बाद इसको जो थर्मोस्टेट है इन दोनों के बीच में पैक करेंगे, ऐसे ऐसे पैक कर देंगे। तो जब भी ये हीट खाएगी वायर उस टाइम कट ऑफ हो जाएगी मोटर, तो इससे मोटर क्या जलने के डर कम रहता था। कई बार क्या होता है मोटर जाम हो जाती है तो मोटर घूम नहीं पाती है, तो गर्मा के हीट खा के कट ऑफ हो जाएगी। तो ये सेफ्टी के लिए है मोटर के, ये कट ऑफ हो जाएगा। चारों तरफ इसको हमने स्टार्टिंग और रनिंग की कोयलों के बीच में सेपरेट पेपर लगाएंगे। दोस्तों ये एक बच गया अपने स्टार्टिंग वाला, इसको मैं स्टार्टिंग के जोड़ दूंगा, और ये रनिंग वाला है एक, इसको मैं 220 सप्लाई के साथ जोड़ दूंगा, जिसमें एक साथ कैपेसिटर वाली लाइन जोड़ दूंगा। दोस्तों तो आगे करता हूँ, दोस्तों बताता हूँ। दोस्तों वाइंडिंग कम्प्लीट हो गई है, देखो कनेक्शन कर दिया मैंने, दो वायर बाहर निकाल दिए हैं मेन सप्लाई के, दो कंडेंसर कैपेसिटी के निकाल दिए, देखो कंप्लीट हो गई है। धागे से अच्छी तरह बांध दिए मैंने दोनों तरफ से। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।